उस पानी में घास एक प्रकार का होता है ना, तो यह वो एक गाय दिख रही है, जा रही है। हाँ गाय दिख रही है। यह जो सामने आप देख रहे हैं हरा हरा, एक हाँ होता है ना कि एक हाँ पौधा होता है कि पानी को पूरा, तो पूरा पानी को कवर कर लिया है, केवल हरा हरा वो पौधा ही रख रहा है। जलकुंभी उसका नाम है उस अंदर। और ये चंद्रमा ठीक उसके ऊपर चंद्रमा भी प्रकाशित हो रहा है, दिख रहा है ना चंद्रमा। भगवान की जब विशेष रात्रि के भी जो कुछ लीला होती है, रास लीला, तो चंद्रमा इसके साक्षी रहते हैं, देखते रहते हैं। चंद्रमा के किरणों के ही, चंद्रमा की चांदनी रात्रि में भगवान रास लीला करते हैं। 2 दिन पहले रास लीला का समय था ना, पूर्णिमा। तो यह है ए, ताल ए, संकर्षण कुंड, बलराम जी के नाम से इस कुंड का नाम है। हम थोड़ा सीमा दिखा रहे हैं, बाउंड्री है ना, इसके बाहर का है और अंदर ये दिखता नहीं, बाउंड्री है हाँ जी इसका। दिखाई रहा है। अब वो मंदिर सामने, हम लोग मंदिर से बाहर हो गए, जिस मंदिर में विग्रह था वो दिखता है ना, छोटा सा मंदिर। हाँ तो और हम हाँ थोड़ा सा अभी तो हम गांव की तरफ निकल रहे हैं, अब वहां से गांव से हम लोग बाहर हो जा रहे हैं। वहां किसी को श्रीमान प्रभु का फोन नंबर पता है? नहीं महाराज, मैं देखता हूँ, मैं तपास करता हूँ, उनको फोन करके क्या बताना है। बताइए। वो लगभग 12-14 वर्षों से प्रत्येक साल परिक्रमा करते थे। उनकी पत्नी निर्गुणा माता जी और दोनों 23 साल नहीं आ रहे, तो उनको हम लोगों को भी याद आ रही। 12-14 वर्षों से लगातार आ रहे थे, चौदह हाँ, आ रहे थे, चौदह हाँ पर। और श्रीमान प्रभु को हम बता देते हैं। हाँ बताता है जी, कभी कभी हम फोन करके आप लोगों से, चाहे हम लोगों से, यहाँ पैद है तो आता है फोन का इसमें। अच्छा इसमें है तो हम लोग भी उनको फोन करते। यह है अब परिवेश है, गांव है, खेत है, चारों तरफ से ये तालबन से, तालबन गांव से हम लोग निकल गए हैं, लेकिन अभी तालबन में ही है लगभग। या यहाँ के पेड़ पौधे हैं, आपको चंद्रमा दिखते हैं ना, तो हाँ दिखाई रहा है। हाँ अभी थोड़ा क्लियर लाइट डाल। चंद्रमा अभी थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश अब हो ही रहा है, सूर्योदय हो जाएगा तो और बढ़िया से दिखेगा। और तो हम लोग आपको यहाँ का जो गांव का परिवेश है, वन का जो खेती होती है, अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, ज्वार है, धान तो शायद, हाँ धान भी मिलेगा। यह कदम के वृक्ष हैं ये। कदम ठीक है, तो दर्शन या इसी स्थान पर राम जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया था। धेनुकासुर एक गधे के रूप में था, असुर था, कंस का एसोसिएट था, गधा के रूप में रहता था। मैं संक्षेप में धेनुकासुर के पूर्व जन्म का इतिहास, अभी तो असुर बना था, इसके पहले वह कौन था उसके विषय निर्गुण में बताते हैं। प्रीवियस लाइफ, निर्गुण तो यह हम उस कथा को संक्षेप में हम बताएं। हरे कृष्ण। हाँ हाँ महाराज, आप थक जाएंगे ना, चलता संक्षेप में इस प्रकार कथा है कि वह गर्भ गर्भ
धेनुकासुर अपने पूर्व जन्म में बलि महाराज का पुत्र था। बलि महाराज जानते हैं बामन देव ने जी। हाँ हाँ जी हाँ महाराज। तो राजा का लड़का था, बलि महाराज का लड़का था। तो एक बार बहुत से स्त्रियों के साथ, अप्सराओं के साथ वो गया ही गंधमादन पर्वत पर, उनके साथ विहार कर रहा था, नृत्य कर रहा था स्त्रियों के साथ। और उसी जगह पर पहले ही से दुर्वासा ऋषि एक गुफा में भजन कर रहे थे। तो भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, बड़ा उनको डिस्टर्बेंस हो रहा था। और यह तो नृत्य कर रहा था, गान कर रहा था उससे स्त्रियों के साथ। तो दुर्वासा ऋषि को ध्यान भंग हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ। तो दुर्वासा ऋषि क्या किए, आ गए बाहर गुफा से। तो देखे तो यह, उस समय उसका नाम था साहसिक, साहसिक उसका नाम था। तो वो दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आया उसको देख कर के, हमारे भजन कर रहा हूँ यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, हल्ला कर रहा है। तो उन्होंने उसको साफ दे दिया कि निर्लज होकर गधे के समान तुम ऐसे डिस्टर्ब हमको कर रहे हो, तो तंग कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो, तुम गधा हो जाओ, तुम गधा तुमको बनना पड़ेगा। तो साहसिक कहीं कहां राजा का शरीर राजकुमार था, राजा का लड़का था, उसको पता लगा कि ऋषि महात्मा है दुर्वासा ऋषि, इनका श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है। तो दुर्वासा ऋषि के चरण को पकड़ कर गिर पड़ा, रोने लगा कि हमसे भूल हुई, दुर्वासा जी हमको क्षमा कर दीजिए। तो कहे कि दुर्वासा ऋषि कहे कि बेटा, उनका हृदय पिघल गया। साधु लोग होते हैं तो ज्यादा देर तक क्रोध नहीं रोक पाते हैं, क्रोध था लेकिन जे ही पकड़ कर बेचारा रोने लगा साहसिक। तो दुर्वासा ऋषि को दया गई उस पर और कहा कि बेटा अब मेरे मुंह से श्राप निकल चुका है, तो इसको अन्यथा नहीं किया जा सकता, मिठाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं व्यवस्था करता हूँ बेटा, तुम्हारा जन्म होगा ब्रज में, जन्म होगा वृंदावन में, तुम्हारा जन्म होगा, यहाँ पर रहोगे, ब्रज में रहोगे, और तुम्हारा सौभाग्य होगा कि स्वयं भगवान तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो साहसी खुश हो गया, ठीक है हमको गधा भी बनना पड़ेगा, तो ब्रज की भूमि में वहीं का घास खाऊंगा, वहीं का पानी पीऊंगा, रहूंगा। तो वही साहसिक जो बलि महाराज का पुत्र था, यहाँ पर गधे के रूप में उसका जन्म हुआ था और उसका उद्धार बलराम जी ने किया था। तो कथा श्रीमद् भागवतम में आप लोगों को वर्णन है, जानते ही होंगे कि किस तरह से ताल वन में ताल फल को खाने के लिए गोप सखा लोग भगवान से आग्रह किए, भगवान आए। तो चूंकि उसमें असुर आवेश हो चुका था दुर्वासा ऋषि के श्राप से, तो बलराम जी को भगवान को मारने के लिए आया, तो बलराम जी ने उसका उद्धार किया था। तो यह परिक्रमा मार्ग है, हम चल रहे हैं, एकदम कच्चा मार्ग है, मिट्टी है, हम उसी पर मार्ग चल रहे हैं। दोनों तरफ देखने खेती का जवार होता है ना, किसान लोग खेती लगाए हुए, पेड़ पौधे है, खेत है, ये ताल वन है, अभी बढ़िया से खेती। उधर जो हरा हरा दिखता है वो सरसों के पौधे लगे हुए हैं, मस्टर्ड सीड। अब यह जो क्या होता है ज्वार आप लोग कहते हैं बाजरा ज्वार, तो इसमें से इसका अन्न निकाल लिया गया है, पौधा इस तरह से ये पशु के लिए खिलाते हैं यहाँ के लोग, गाय को भैंस को खिलाते हैं। तो चारों तरफ से लंबा ऐसे लगता है कि बाउंड्री बना हुआ है, लगता है यह एक विशेष प्रकार का घास की खेती, हरा हरा छोटा छोटा है, इसको गाय को खिलाने से उसको बहुत बढ़िया दूध होता है, पौष्टिक रहते, छोटा छोटा पौधा हरा हरा दिखता है, अभी जम ही रहा है।
और इस समय फिर आकाश में चंद्रमा है, दिख रहे हैं थोड़ा सा, तो धूमिल पड़ते जा रहे हैं। और इस दिशा में अब भगवान सूर्य उदित होने वाले हैं, तो सूर्य की यह दिशा है। और हमारे साथ जो दो भक्त आ रहे हैं इष्ट देव, और दिख रहे हैं कि नहीं, तो भाई दूर हैं वो, थोड़ा सा दूर हैं। हाँ, दूर दिख है। रहे हैं कि नहीं आप लोगों को इष्ट देव? नहीं, नहीं महाराज, नहीं दिखाते हैं, दूर है, नहीं दिखते हैं कैमरा? नहीं, नहीं। उनके ऊपर वो पेड़ है, बाजू में है घास है, तो यही तीन लोग चल रहे हैं अभी। अभी वो लोग और सहायता वाले भक्त आएंगे दिन में प्रसादम लेकर। यह परिक्रमा मार्ग है। अच्छा। दामोदर माता जी जिस दिन इसी मार्ग पर चल रही थी, तो आगे था वो कुमुद वन। कुमुद वन में एक भैंस ने उनका पैर पैर को तकलीफ दे दिया था। हाँ महाराज, सच बात है। इसी अंतिम दिन इसी पर चल रहे थे, तालवन से निकले थे, इसी रास्ते पर आप आपके पैर चले हुए थे। तो यह है, देखिए बढ़िया एक पेड़ है, ये घास खेती है, बरसीन इस घास को कहते हैं, गायों को खिलाया जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए काट काट कर ये खिलाया जाता है, और एक बार काट देंगे तो फिर से वो बढ़ता है, चार पांच काट कर खिलाते हैं फिर बढ़ता है, चार पांच बार उसको, पांच छह बार उसको काटा जाता है और खिलाया जाता है। सबसे बढ़िया है जो ये दिखता है, जो पेड़ पौधे, ये जो ज्वार जाता है, बाजरा का जो होता है, आप लोगों में कोई खेती किए होंगे आपको पता होगा। यह जो दिखता है इस साइड में, ये क्या है, वो नहीं, कपास का, ये कपास को निकाल लिया गया, और कपास का जो पौधा है ना, उसका पेड़ वो सुखाया जा रहा है, इसे ईंधन के काम में लोग लाते हैं। यहाँ खेती में पानी भरा जा रहा है, ब्रजवासी उसका निरीक्षण कर रहे हैं, खेतों में धीरे धीरे पानी हो रहा है, इसमें गेहूं बोएंगे, और चूंकि यहाँ पर सर्दी का मौसम चालू हो गया है, इसीलिए देखिए एक ब्रजवासी आग जलाकर और उसके बाजू में बैठे हैं, शीत से रक्षा के लिए। फायरप्लेस है महाराज। हाँ, फायर प्लेस यहाँ का समझिए, हीटर है, घरों में लगाते हैं ना, हीटिंग सिस्टम यहाँ का है, ब्रजवासी लोग वहाँ पर ताप रहे हैं अपने गर्मी के लिए, ठंडा चालू हो गया है, समझे ना। इधर ट्रैक्टर है, एक ब्रजवासी यहाँ सो रहे हैं, कम्बल लोकर दिख रहे हैं ना, सो रहे हैं, रात में खेत की रखवाली कर रहे हैं। तो ठीक है, वृंदावन की भूमि है, परिक्रमा मार्ग है, राधे श्याम राधे श्याम, दूर दूर तक ताप ले। वो हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोगों को ठंडा लग रहा है तो आग के नजदीक थोड़ा बैठ जाइए। यहाँ का हीटिंग सिस्टम आप लोग घर में चालू किए होंगे ना, अब हमने कर दिया हमारा जीएस। तो यहाँ का हीटिंग सिस्टम है, यहाँ पर तो बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, ये खेत है। ओके महाराज, अभी पची महाराज ने क्या अभी उठा, ये पौधा है, तो ठीक है, हम लोग अब चल ही रहे हैं, देखते हैं। हाँ महाराज, ठीक है। आप लोगों का नेक्स्ट कार्यक्रम, आप लोगों का कार्यक्रम क्या है, अभी क्या करना है, कुछ दामोदर स्वयं करना होता है ना।
आपको कितना टाइम लगेगा महाराज? आपको कुमुदवन पहुंचने में हमको और लगभग 20 से 25 मिनट लग सकता है। अच्छा, तो हम आधे घंटे के लिए महाराज हम कीर्तन करेंगे। दामोदर अष्टक ठीक है, आप लोग कीर्तन पद। हाँ जी, हाँ जी। तो अंतिम यह पेड़ पौधों का दर्शन है, देख लीजिए। परिक्रमा मार्ग है, आप लोग आधा घंटा चाहे लगभग आधा घंटा 20 से 25 मिनट हम लोग को लगेगा वहाँ पहुँचने में। ठीक है, तो हम अब अपने तरफ से बंद करते हैं। हाँ जी, हाँ महाराज, बंद कर दो, बंद कर दो। अभी पद्म कुंड है ना, भगवान कपिल देव जी का जो भजन स्थली है, ऐसे भगवान कपिल देव का तो मूल स्थान तो गंगा सागर में है, जिस स्थान पर गंगा जी समुद्र में मिलती हैं, बंगाल में है, कलकत्ता के पास में। लेकिन समय तक भगवान कपिल देव यहाँ भी रहे थे, कुमुद वन में ब्रज में निवास किए थे, भजन किए थे, तो उन्हीं के नाम से यह कुंड है। सामने तो दिखता है, कुंड के तट पर ही बिल्कुल खड़े हैं, सूर्य उदित हो रहे हैं और एक कुंड है। तो ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से प्रेम से इस कुमुद वन में निवास करता है, भजन करता है, और विशेषकर इस कुमुद कुंड में, पद्म कुंड में स्नान करता है, तो भगवान की कृपा से उसे जो वैदिक ज्ञान है, उसका जो कंक्लूजन है, सारांश है, उसको हृदय में प्रकाशित हो जाता है, व्यक्त हो जाता है यहाँ पर भजन करने से और इस कुंड में स्नान मात्र करने से। ये समान रूप से हम यही दिखा रहे हैं, हम लोग खड़े हुए हैं, जो वृक्ष है और नीम का वृक्ष है, ये सामने इष्ट देव प्रभु कुछ कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, और दशरथ प्रभु जप की मुद्रा में है, मास्क भी लगाए हुए हैं। अलग मास्क की तो जरूरत यहाँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आदत बनाने के लिए। तो देखिए, हम फिर भगवान कपिल देव जी का जो दर्शन है वो भी दर्शन ले कर लीजिए। यह कपिल देव जी का विग्रह है, भगवान का दिखते हैं ना भगवान? हाँ हाँ, दिखता है कपिल देव जी का यह विग्रह है। ऐसी कुंड के तट पर रहकर वो भजन किए, भगवान की भक्ति के कुछ दिन तक रहकर वह है। फिर इस इधर जो परिसर दिख रहा है वो वल्लभाचार्य जी का बैठक, वल्लभाचार्य जी भी यहाँ पर, जो उनके जो 84 बैठक है ना भारत में, तो 84 बैठकों में से एक बैठक है, जहाँ बैठक मतलब जहाँ भी वल्लभाचार्य जी आते थे तो थोड़ा भागवतम का पाठ करते थे, पारायण करते थे, तो वल्लभाचार्य जी का बैठक है। अंदर पुजारी दिख रहे हैं, पेड़ कुछ दिख रहा है, और यह तट पर ही श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का यह मंदिर है, राधा रानी और कृष्ण का मंदिर है, जिसे हम मंदिर अभी प्रभात काल है तो विग्रह दिखेगा आप लोगों को, कृष्ण का दिख रहा है, भगवान भगवान है, और इसके बाद श्रीमती राधा रानी बाजू में है, और देख रहे आज को खड़ी रखा है, हम लोग आई जाए जाड़ी बंद कर ली से। तो ठीक है, हम लोग यही स्थान है, माता जी आपको याद होगा ना, यही स्थान याद है ना महाराज? हाँ जी याद है ना, जहाँ से आप लौटना पड़ा था, यहीं से इसी जगह से। दूसरी बार हो गया ना, ये तो बहुत अच्छा सूचना नहीं है, दूसरी बार अच्छी तरह से हो गया। ठीक है, तो हम लोग हमने तालबन से चार ताल बनाए थे से कुमुद वन, और कुमुद वन से फिर हम लोग यहाँ से अब धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो एक गांव का दर्शन है, ब्रज के गांव का दर्शन है, वृंदावन का। यहाँ पक्षी
थोड़ा सा उखाड़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है, गौड़ीय मठ है सामने। अच्छा अभी नया गौड़ीय मठ है चैतन्य गया तो। बहुत ऐसा रिनोवेशन उस समय लेकिन था बहुत पहले से, अभी वो बढ़िया से उसका गेट बन गया है, गेस्ट हाउस भी लगता है बना हुआ है। जी सर है, ठीक तो ठीक है, आप लोग रहिए, गांव का दर्शन प्रवासियों का दर्शन करा देंगे। ये तोता दिख रहा है एक बल वट वृक्ष पर कि नहीं आप लोगों को? नहीं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, इधर देखिए पेड़ पर दिख रहा है, पेड़ पर नहीं महाराज। आवाज आ रही है, दिखता नहीं है। अच्छा नहीं तो हम सामने किए हैं, हम अपना अपना चेहरे हमारे सामने का दिख रहा है ना दृश्य? हाँ हाँ जी, हाँ जी। या, तो हम लोग अब गांव से निकल रहे हैं तो कुमुद बन का जो गांव है, कुदर बन गांव का नाम अभी हो गया है, तो इसी के गली से हम लोग अब निकल रहे हैं। तो अच्छा है कि थोड़ा देर तक रहिए, हम ब्रजवासियों का और आगे जीवन शैली का एक दर्शन कराते हुए, दो तीन मिनट लगेगा, दो मिनट ज्यादा से हम गांव से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आपको बाहर से गांव का दर्शन करा देंगे और ये ब्रजवासी लोग हैं वहां पर दिख रहे हैं आप लोगों को। महाराज इतने गांव है मगर इतने लोग दिखाते नहीं है, कोरोना ये नहीं है, पूछ ले पूछ ली। अच्छा हाँ जाओ चौरासी बोल। अभी एक सर्दी का मौसम है ना, हाँ ज्यादा लोग बाहर नहीं धूप निकल बैठेंगे। अच्छा तो ये कौन सा गांव है महाराज? एक कुदरबन गांव का नाम है, कुदरबन कुमुदबन में है और कुदरबन लोकल भाषा में इसको कहते हैं। पद्मकुंड से आप निकल गए? पद्मकुंड से हम अब बाहर निकल गए हैं। ये सामने जा रही है एक छोटा सा बच्चा है, उनका हाथ पकड़ कर। अरे बाबू छत के तरफ देखा, देखो मयूर है हल के ऊपर बैठा हुआ, शायद दिखता है कि नहीं, हम कैमरा कैसे कर पा रहे हैं। दिखता है मयूर? दिखता है आप लोगों को? नहीं नहीं महाराज, छत के छत के ऊपर, छत का वो बिल्डिंग के ऊपर, के ऊपर नहीं कुछ नहीं, बिल्डिंग नहीं दिखता है नहीं। वो कैमरा थोड़ा घुमाना पड़ेगा, दिख रहा है? दिख रहा है अभी कुछ नहीं आ रहा है। अभी आया, आया अभी, अभी आया, अभी देख रहे हैं, अभी चला गया, और तो है बोलते हैं कहाँ चला गया? नहीं है नहीं इधर। अच्छा ठीक है, हम लोग कैमरा को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को देख रहा बकरी ये देख रहा है, ये कौन है ये लोग? हम तो कुछ नहीं आ रहा है हमारे तो। अरे हम तो हमको तो दिखे कैसे कैसे नहीं दिखता, क्या आपने के मालतू नजीक कर सकते हैं?
हाँ अभी आया। अच्छा अच्छा कहाँ से कुछ हो रहा है दिख रहा है कुछ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी क्या दिख रहे हैं? ओ छोटे छोटे बकरे हैं कि गाय है? मोर दिखाता है। हाँ मोर है घीटा से छत के ऊपर बैठा है एकदम घर के ऊपर। हाँ जी और भेड़ है भेड़ के छोटे छोटे बच्चे हैं। वृंदावन तो ठीक है। हम लोग अब गांव से बाहर निकल रहे हैं। आप लोगों का समय भी हो गया है ना समाप्त करने का? हाँ हाँ महाराज जी हाँ आप तो एक मिनट रहिएगा फिर हम लोग बंद करेंगे एक मिनट के लिए। क्यों महाराज अभी आप कहाँ जाएंगे यहाँ से आगे? कौन सा अपने चर्च अब यहाँ से हम लोग बहुला वन के तरफ के शांतनु कुंड बहुला वन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अब सूर्य उदित हो गए हैं तो दिखता होगा ना सामने का सब दृश्य बढ़िया से दिखता है कि नहीं? हाँ जी रास्ता दिखाता है स्वच्छ आगे है। सूर्य उदित सूर्य भगवान उदित हो गए हैं इसलिए सब स्पष्ट दिखना चाहिए आप लोगों को। यह परिक्रमा मार्ग है जिस परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। अच्छा आगे वो एक घर दिखता होगा छोटा सा सफेद रंग का मंदिर है हम लोग से दूर है और ये सब खेत है चार तरफ जो खेती है अभी गेहूं की खेती की तैयारी हो रही है। गेहूं बोया जाएगा और सामने एक आधा परिक्रमा उधर डिस्पर्स होकर चल रहे हैं एक साथ हम लोग नहीं चल सकते ये कुछ प्रतिबंध है आगे पीछे एक खेत। ठीक है आई ब्रज दर्शन ही अच्छा है मन इसमें लगा रहे इसी भूमि में कीर्तन होता है भगवान की लीला स्थली है। वो मंदिर दिखता है लेकिन थोड़ी दूर पर हम खड़े हैं लेकिन शायद आप लोगों को दिख रहा होगा मंदिर दूर पे काफी दूर है। हम उसी के तरफ बढ़ 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 है धीरे धीरे मंदिर के तरफ बढ़े। प्रभु जी वीडियो स्टॉप और कुछ पूछना है तो पूछते रहिए। आपका वीडियो बंद हो गया है महाराज? हाँ वीडियो बंद हो गया है आपका? हाँ वो एकदम स्टैंड स्टिल हो गया है चलता नहीं। क्या हो गया है अभी? एक ही दृश्य बता रहे वो गुम नहीं कुछ स्टॉप एक जब आप चलते कि नहीं पूछो एक ही बता रहे क्या तो देख रहे हैं वो जो परिक्रमा वो रास्ता ही दिखाता है महाराज। महाराज जी चलने दिख रहे आपको? नहीं मूवमेंट हम दृश्य देख सकते हैं उसका मूवमेंट कोई नहीं है। अभी महाराज जी चलने दिख रहे ना आपको? नहीं 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 दिख रहे नहीं कुछ नहीं हमें तो दिख रहे जस्ट रास्ता ही दिखाता है रास्ता दिख रहे महाराज को भी दिख रहे महाराज जी चल रहे नहीं दिख रहे नहीं कुछ नहीं, नहीं, नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अच्छा तो ये कैमरा में रिकॉर्ड नहीं एक अभी दिखा है महाराज अभी चलते आगे दिख रहे अच्छा अभी दिख रहा है ये परिक्रमा है तो महाराज जी और रिश्तेदार प्रभु चल रहे महाराज जी बता रहे मंदिर छोटा सा मंदिर दिख रहे ना आपको? हाँ, उधर है और महाराज चल रहे
बिल्कुल। और अभी अभी आपको एक खेती में मयूर दिखाता हूँ अभी। ठीक है, नंबर क्या है? हम भी इसको भी जोड़ने का। हाँ एक मिनट, नंबर 933 है। ये देखिए मयूर खेत में, अभी नहीं दिखता। अभी देखा? हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ हाँ, खेत में मयूर दिख रहा है। हाँ हाँ, मयूर जा रहे। मोर नहीं दिखा? नहीं, मोर नहीं दिखा। दिखा जार के, नहीं जार के, जार के पास है। नहीं दिखा? देखिए हाँ, मयूर जार के पास, जार के पास। हाँ हाँ, दूर हो गया। अभी अभी आएंगे, बहुत आएंगे रास्ते में। और अभी तो हम लोग खुले रास्ते में चल रहे हैं ना पूरा। बढ़िया मौसम लगता है, ठंडा है वहाँ? एकदम बढ़िया। अभी सूरज सूरज उग गए है, ठंडी की नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है, सूरज की किरण से गर्म। अभी खेती के लिए लोग खेती तैयार कर रहे, गेहूँ बोएंगे अभी। वो देखिए कितना सारे मयूर देख रहे, दूर थोड़ा है, 3-4 है। थोड़ा दूर तक तो दिखेगा आपको, मयूर दिख रहे दूर में। स्टक हो गए, बहुत सारे है दूर में। अच्छा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मोटरसाइकिल वाले क्या है? कहाँ का है? बग्गी है, स्टॉक क्या? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपका माइक म्यूट है ना? माइक आपका जो है ये वाला है, वो तो पुष्टि कार्ड है। कुछ और वो दूसरे का किसी का, तो आपका तो ये है। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण। हरि बोल, हमारी आवाज सुन रहे आप लोग की नहीं? हाँ सुना ही रहा है। घर में प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण, कैसे हो आप? आवाज नहीं आ रही आपकी।